नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हाँ जी दोस्तों, बताइए कैसे आप सब लोग, क्या हुआ? लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, 4 जून को रिजल्ट आ चुका है और नई लोकसभा का गठन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रथम सत्र के साथ 15 जून 2024 को शुरू हो जाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि भाई इस बार का चुनाव विशेष क्यों रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तो भाई बहुमत हासिल कर लिया था, 300 पार सीटें स्वयं बीजेपी ने हासिल कर ली थी और 543 सीटों में बहुमत के लिए केवल 272 का आंकड़ा पार करना था। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा नहीं हो पाया, 240-43 तक बीजेपी सिमट गई। अब जरूरत किसकी थी? अब थी सहायक दलों की। सहायक दलों के रूप में ईश्वर बन के आए कौन? जेडीयू और एनडीपी या टीडीपी। तो आपको ध्यान रखना है, टीडीपी और जेडीयू या फिर नीतीश कुमार या नायडू यहां पर बनकर आए ईश्वर या फिर ईश्वर के अवतार, और बहुमत दल के लिए एनडीए की गवर्नमेंट बनाने को स्वीकार कर दिया गया। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुन लिया गया है और शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाना है। अब हमें यह देखना होगा कि अगर आगे आने वाले 5 सालों में गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो आखिरकार गठबंधन की सरकार होती क्या है, बहुमत दल की सरकार क्या होती है, गठबंधन दल की सरकार के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये भी हमें विस्तार सहित पढ़ना होगा। तो आज का 10 मिनट शो पूरी तरह डेडिकेटेड होने वाला है कि आखिरकार कौन सी सरकार होती है बेहतर, गठबंधन की सरकार या फिर बहुमत दल की सरकार। अब वो बात अलग है कि हमारे पास अभी तो फिलहाल गठबंधन की सरकार है, लेकिन बहुमत दल की सरकार क्या होती है ये भी हमें पढ़ना होगा। स्वागत है आप सभी का, वीडियो तक आ चुके हो तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के बीच में। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जुड़ जाइए, फिर आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए किसकी, गठबंधन की सरकार की चर्चाओं की। बड़े ही एच पैच की बात थी, है ना, कि भाई सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन इस बार अच्छा हुआ कितना एच पैच जोड़ घटाना करना नहीं पड़ा क्योंकि वे सहयोगी दल पहले से ही बीजेपी के पास थे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिरकार गठबंधन दल की सरकार होती क्या है। एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भाजपा जैसी बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार और विपक्ष की अस्थिर गठबंधन सरकार में चुनाव करने की अपील की थी उन्होंने। उन्होंने बोला था कि भाजपा एक स्थिर सरकार है और अगर विपक्ष जैसे इंडिया की बात करें तो वो एक कई दलों से मिलकर बनी हुई है, तो भाई वो जो कई दलों से मिलकर बनी हुई सरकार है वो अस्थिर रहेगी और जो एक पार्टी की सरकार होगी वो स्थिर रही होगी। तो मोदी जी ने स्वयं अपील की थी कि जनता से कि आप बताइए कि स्थिर सरकार को चुनना चाहते हैं कि अस्थिर सरकार को। अब वो बात अलग रही कि पासा पलट गया, अब स्वयं बीजेपी एक गठबंधन की सरकार के रूप में आपके सामने आई है। सुशासन की स्थापना करने में गठबंधन सरकार की अपेक्षा स्थिर सरकार वाकई बेहतर होती है, इस बात पर आज का पूरा एनालिसिस होगा। इसका अगर उत्तर जानना है कि आखिरकार गठबंधन सरकार और आपकी जो बहुमत दल की सरकार होगी इसमें कौन सा बेहतर रहता है, तो हमें पूरी की पूरी प्रक्रिया जाननी होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि गठबंधन दल की सरकार बन रही है। 1984 से अगर मैं काउंटिंग करूं तो 2024 तक हम वो पूरे कार्यकाल पर नजर डालेंगे जब जब गठबंधन की सरकार बनी, चाहे वो 1984 से 89 तक हो, 2024 से 2019 के बीच में हो या फिर पूर्ण बहुमत वाली सरकारों के बीच में हो। हमें सबसे पहले देखना होगा कि आखिरकार अलायंस गठबंधन का मतलब क्या होता है। तो अब चूंकि मैं करंट अफेयर्स भी पोस्टमार्टम करके पढ़ाती हूँ, गहराइयों तक उतर के पढ़ाती हूँ, तो मैं ये कंसेप्ट भी ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। गठबंधन शब्द एक्चुअल में लैटिन शब्द कोएलिटियो से लिया गया है, इसका अर्थ होता है मतलब एक साथ आगे बढ़ना, एक साथ, एक ही एक आगे बढ़ेगा तो उसके पास विश्वास होगा, जब एक के पास विश्वास नहीं होता है तो सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ा जाता है। एक मंत्रालय तुम्हें भी सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तकनीकी रूप से गठबंधन का अर्थ क्या हुआ, भागों को एक निकाय या पूरे में एकजुट करने का कार्य, कई अलग अलग भाग होंगे उनको इकट्ठा कर देना, एक निकाय के रूप में आगे बढ़ाना। गठबंधन का तर्क
तर्क अर्थ है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है उसे हम गठबंधन कहते हैं। मतलब कि अगर अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के एक साथ आगे बढ़ते हैं, स्वयं का विकास, सबका विकास करते हैं, तो वह गठबंधन के रूप में लिया जा सकता है। आधुनिक संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब कोई भी एक राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। लगभग 63 सीटों से हम बीजेपी पीछे थी और लगभग 240 या 240 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत दल के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी, जो कि बीजेपी को स्वयं एक दल को नहीं मिल पाई। तो अब दल को बहुमत हासिल नहीं हो पाया, अब क्या करेगा, दो या दो से अधिक दल जिनके पास बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सदस्य है उनके साथ एक साझा कार्यक्रम पर सहमत हो जाएंगे और व्यक्तिगत नीतियों के साथ बहुत अधिक कठोर समझौते की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एग्रीमेंट साइन करेंगे, तुम जाना नहीं नीतीश कुमार, पासा मत पलट देना, एना नायडू साहब अब मत करना नाटक, पहले कांग्रेस से बीजेपी में, अब बीजेपी से कहीं और मत जाना, ऐसा कोई बहुत एग्रीमेंट नहीं होता। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, आप उनके पसंद का उनका मंत्रालय दे दीजिए, अगर वे चाहे वो खुद को प्रधानमंत्री बनाना तो वो भी करवा लीजिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी। वो बात अलग है कि इस बार जो हमारे सहयोगी दल थे, बीजेपी के सहयोगी दल थे, उन्होंने कुछ ऐसी विशेष मांग नहीं की अभी तक तो, कि नीतीश कुमार जी ने बोल दिया हो कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वे दल आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें ये देखते हैं कि कब कब ऐसा हुआ कि जब गठबंधन की सरकार बनी, तो गठबंधन की सरकार के लिए आप सबको 1977 से शुरू करते हैं, जनता पार्टी मोरारजी देसाई की सरकार, 79 फिर से जनता पार्टी जनता दल के साथ, फिर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा आई जनता दल के साथ, 1990 में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी और जनता दल के साथ आई, फिर इसके बाद देखना है आपको संयुक्त मोर्चा एचडी देवगौड़ा जनता दल के साथ, है ना, और जनता दल के साथ गुजराल साहब के भी प्रधानमंत्री बनने के बाद आया। 97 से 98 के बीच में देखें तो भाजपा नेतृत्व वाला गठबंधन बना था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, फिर इसके बाद एनडीए आ गया, ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कि वर्तमान में फिर से सरकार बनाने वाला है, है ना। इसके बाद यूपीए आया जो कि इस बार इंडिया के रूप से आपको जानने को मिल रहा है, यूपीए 2004 में भी आया, 2009 से 14 से भी आया, फिर इसके बाद शुरू होता है एनडीए का गठबंधन। एनडीए के में जो सेकंड पड़ाव था, सेकंड पड़ाव में आपको देखने को मिला है कि यह बहुमत दल था, लेकिन थर्ड कार्यकाल में अब फिर से एनडीए को एक विशेष सहयोगी दल की आवश्यकता है, अगर यह सहयोगी दल सहयोग नहीं करेगा तो गड़बड़ हो सकता है। गठबंधन सरकार की विशेषताएं क्या होती है, पहले हम देख लें फायदे क्या होते हैं। सरकार के कामकाजों में विविध हितों को समायोजित किया जाता है, क्योंकि आपको सबको पता है अलग अलग राजनीतिक दलों का अलग अलग मोटिव है ना, अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग हित हैं। अब गठबंधन की सरकार आएगी तो अलग अलग हित का एक गठबंधन बन जाएगा, तो सबके हित पूरे हो पाएंगे, सीधी सी बात है। गठबंधन सरकार विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं को पूरा करने, उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक माध्यम बन जाएगा। ऐसा ना हो कि 5 साल तुम सिर्फ बीजेपी को झेलोगे, नहीं, आप सहयोगी दल की जो इच्छाएं होंगी उनसे भी आप अपनी अर्जी लगा दोगे तो भी तुम्हारी अर्जी पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह सरकार विभिन्न दलों के समूह की है, तो अलग अलग दल के जो हित है वो भी पूरे हो सकते हैं, उनकी अपेक्षाएं उनकी शिकायतों को भी दूर किया जा सकता है। विविधता, चूंकि आप सबको पता है भारत एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म सब कुछ अलग अलग है। अब इसमें कई दल कई अलग अलग क्षेत्रों से उठकर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब सरकारें हैं तो अपनी अलग अलग विचारधारा को लेके आएंगी, अलग अलग विचारधाराएं जब एक ही गठबंधन में बन जाएंगी तो सब विचारधाराओं की भी पुष्टि हो सकती है और एक विकसित राजनीति की ओर यह गठबंधन आगे ले जाया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बात करें तो गठबंधन की सरकार एक संघीय ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाती है, जैसे कि भारत एक राज्यों का संघ है वैसे ही गठबंधन कई दलों का संघ कहा जा सकता है, ठीक है। अब जब गठबंधन आएगा किसी एक की तो चलेगी नहीं चलाओगे तो मैं भाग जाऊंगा भाई, नीतीश कुमार ने बोल दिया होगा कि मेरे लिए मुझे ये पद नहीं मिला, मेरे अनुसार ये सरकार नई अधिनियम पारित नहीं किया, आदि नहीं हुआ तो मैं तुरंत छोड़ के चला जाऊंगा और तुम्हारी सरकार झट से गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में निरंकुशता, तानाशाही खत्म हो सकती है, तानाशाही को कंट्रोल किया जा सकता है, हिटलर नहीं बन सकते हैं ऐसा समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं भाई बुराइयां भी तो कुछ होंगी गठबंधन की, तो बिल्कुल, चूंकि कई दलों का समूह है तो अस्थिरता तो लगी रहती है, मतभेद होता है तो सरकारें गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है ना।
अब गठबंधन में एक और दोष यह है कि बहुत बड़ा निर्णय एकदम से नहीं ले सकते। ऑब्वियसली बात है, सभी दलों जितने भी सहयोगी दल से उनसे परामर्श लेना ही पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ कामकाजी भी बहुत कमजोर बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग दलों के से के हित यहां पर आएंगे, तो हो सकता है जातिगत है तो सांस्कृतिक है तो कहीं ना कहीं सुशासन जो होता है वो उतना अच्छा उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। छोटे छोटे दल अपने आप को किंग मेकर समझने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किंग बने हो किसके बदौलत? मेरे बदौलत ना, तो आई एम द किंग मेकर। अरे बात समझ में, नीतीश कुमार या फिर नायडू साहब सोच रहे होंगे आई एम द किंग मेकर, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, तुम अपने उस पर नहीं बने हो। तो इससे क्या होगा कि वे संसद में संख्या बल से भी और अधिक मांग करते हैं, और जैसे मान लो 12 सीटें लेकर के पहुंचे और मांग करेंगे कि बड़े बड़े मंत्रालयों की, क्यों? क्योंकि आई एम द किंग मेकर। मैं समझ पा रही हूं कि आपको यह समझ में आ रही होगी। कई क्षेत्रीय जो विभाजन है वो भी यहां पर आ सकता है गठबंधन के कारण। साथ ही साथ जो धमकी भरा वातावरण होता है कि मैं हट जाऊंगा, मुझे ये पद, मैं हट जाऊंगा, मेरा यह लाभ करा दीजिए, ये कई दोष यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि दोष अच्छे होने नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सेशन में गठबंधन सरकार के क्या होती है, गठबंधन सरकार के गुण, गठबंधन सरकार के दोष समझ में आए होंगे। कब कब भारत में गठबंधन सरकार बनी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार बहुमत दल की सरकार अच्छी रहेगी गठबंधन की सरकार, क्योंकि मैंने गठबंधन अलायंस के बारे में तो सारी चीजें आपको समझा दी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी है, मैं आपको समझाने में सफल हो पाई हूं कि नहीं हो पाई हूं। मिलती हूं कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।